तो हे माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का रायता। और लाइक लौकी को मैंने धो के कट करके इसका बीज कुछ इस तरह से निकाल लिया है, और मैंने ये वाला भाग लिया है और इससे करूँगी अब कद्दूकस। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी से रायता। देखिएगा पूरा प्रोसेस सिंपल और आसान तरीके से। ये बहुत ही हेल्दी होता है, टेस्टी भी होता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आइए कद्दूकस कर लें, कद्दूकस से कर लेंगे इसे, तो आप लोग जानती होंगी। इस तरह से सभी को कर लेना है कद्दूकस। और इधर हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, जैसे ही इसमें एक बॉयल आएगा उसमें डाल दूंगी मैं ब्लांच करने के लिए अपने लौकी को, जो मैंने कद्दूकस किया है। इस गर्म पानी में ब्लांच कर लेना है। आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है, और इसमें डालूंगी मैं हल्का सा नमक, एकदम 2 पिंच। और इसी में ये कद्दूकस किया हुआ लौकी डाल दूंगी। हमें ज्यादा नहीं उबालना है, बस ब्लांच करना है इसे, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है इसको। हो गया, एक बॉईल आएगा इसको हम निकाल लेंगे। ये ब्लांच हो गया, उतार लूंगी इसको और छान लूंगी। जाली में लेंगे और सारा पानी निकाल लेंगे। इस तरह से जाली में होने के कारण सारा पानी अपने आप निकल जाएगा। छोड़ देते हैं इसे 10-5 मिनट के लिए ताकि सारा पानी अपने निकल जाए इसका। तो यहाँ पे हमने गैस पे कलछी रख दिया है गर्म होने के लिए। कलछी हमारा गर्म हो चुका है और मैं रायता को तड़का लगाऊंगी। तड़का में क्या क्या होगा वो देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले मैं यहाँ सरसों तेल डालूंगी। आप फॉर्चून रिफाइन तेल होता है वो भी डाल सकते हैं, और ज्यादा हमें तेल का उपयोग नहीं करना है। अब इसमें जाएगा जीरा, सूखी लाल मिर्च उतार लेंगे कसी, क्योंकि हमारा ज्यादा गर्म हो चुका है। लाल मिर्च भी जाएगा इसमें, थोड़ा सा सरसों जाएगा, काला पीला जो हो आपके पास वो डाल सकते हैं। अब ये करी पत्ता लीक चाहिए तो ही डाल दूंगी मैं। तड़का हमारा रेडी है डालने के लिए, ठंडा होने देते हैं क्योंकि रायता में मैं हमेशा की तरह ठंडा ही तड़का डालती हूँ, इसलिए डालती हूँ कि दही फटे ना। और ये हमने यहाँ पे रखा है दही, दही को मैं थोड़ा सा फेंट लूंगी। अच्छी तरह से इसको स्मूदी बना लेंगे। फ्रेंड्स, दही हमारी थोड़ी गाढ़ी है इसलिए मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा पानी, और पानी डाल के मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है। आप अपने दही के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा हरा मिर्ची, ये मैंने कट करके रखा है हरा मिर्ची, इसी में जाएगा ये हमारा लौकी, जो हमने ब्रांच करके लौकी रखा था ना
ये इसी में ऐड कर लूंगी मैं, इसको इसी में मिला लेना है। और यहीं पे मैं डालूंगी हाफ चम्मच से भी कम सादा नमक, ये डालना है मुझे हींग, यहीं पे मैं थोड़ा सा हींग डालूंगी। और चाट मसाला जो मैं हमेशा बना के रखती हूँ, आपने देखा होगा मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग रेसिपी में बनाया है खीरा रायता, आज मैं बना रही हूँ लौकी रायता। तो ये मैं हमेशा नमक बना के रखती हूँ, इसमें काला नमक, भुना जीरा, हींग सब बना रहता है, इसको भी डालेंगे इसमें, इससे स्वाद और लाजवाब बन जाती है। थोड़ा सा इसको मिला लेंगे। लौकी का रायता हमारा लगभग बन के तैयार है, अब है इसमें तड़के की बारी। तो देखिए ऑलरेडी हमारा तड़का ठंडा हो चुका है, अब ये तड़का मैं इसमें मिला दूंगी। और मिलाने के बाद देखिए लाजवाब रायता हमारा बन के तैयार है, और वो भी लौकी का। और इसे रखेंगे 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में, क्योंकि रायता जो भी हो ठंडा ही अच्छा लगता है। तो इसे 10 मिनट रखने के बाद सर्व करेंगे, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। आप भी एक बार ट्राई करिए लौकी का। वीडियो आपको कैसी लगी, ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलूंगी मैं अगली वीडियो अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।